मुठभेड़ केस में मुख्य आरोपी विकास दुबे के घर से पुलिस को हथियार और विस्फोटक मिला है। विकास दुबे के मकान से 2 किलो विस्फोटक और 6 तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा 24 जिंदा कारतूस भी मिले। यही नहीं, 15 देसी बम भी यहां बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद से विकास दुबे अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा है। तो हथियार और जिंदा कारतूस भी यहां तहखाने में मिला, क्योंकि ऐसी जानकारी पुलिस को सामने आ रही थी। उसके बाद मकान को गिराया गया। अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें दिख रहा है कि कितने विस्फोटक, 6 तमंचे यहां पर नजर आ रहे हैं, 24 जिंदा कारतूस यहां मिला। यही नहीं, 15 देसी बम भी बरामद हुए हैं। विकास दुबे कहाँ है इसका पता लगाने के लिए यूपी पुलिस जमीन आसमान एक किए हुए है। 1 लाख रुपए के इस इनामी गैंगस्टर का पता लगाने के लिए यूपी एसटीएफ ने 150 से ज्यादा ठिकानों की छापेमारी शुरू की। पिछले 48 घंटों के दौरान पुलिस को कई ऐसे सुराख भी मिले जो अंधेरे में भटक रही कानपुर पुलिस को रोशनी दिखा सकते हैं। लेकिन इनमें से ही कुछ सुराख ऐसे भी हैं जो पुलिस को मुश्किल में भी डाल सकते हैं। रहस्य के अंधेरे में गुम है कॉप किलर। हमारे ऊपर कम से कम 200 फायर जो है वो अचानक आ गए, और उसी पहले राउंड में हम 3 लोगों को जो है हम गोली लग चुकी थी। नेपाल की सरहद से लेकर बीहड़ों तक खाक छानती पुलिस। कोई भी बच के नहीं जाएगा जाते हैं, और जो है पुलिस को चैलेंज किया गया है, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। 40 थानों की पुलिस, एसटीएफ ने एक किया जमीन आसमान। 40 थानों की फोर्स इस काम में लगी भी है। यहाँ की एसटीएफ लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आकर के अपना काम कर रही है। 3 दिन बाद भी नहीं मिला धोखेबाज हत्यारा। जितने भी पुलिसकर्मी चौबेपुर थाना क्षेत्र के हैं, सभी हमारे जांच के दायरे में हैं, और यदि इस तरह के सबूत मिलते हैं कि थाना स्तर से कोई मुखबिरी हुई है, हमारा कोई कर्मचारी इस घटना को करवाने में सम्मिलित है या विकास दुबे की मदद करने में सम्मिलित रहा है, तो उस कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लिखे, उसको जेल भेजा जाएगा, उसको मर्डर का मुलजिम माना जाएगा। नाकाम पुलिस, बेलगाम अपराध। कानपुर जनपद के 40 थानों की फोर्स और सभी अधिकारी लगातार तब से कॉम्बिंग कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जमीन से 8 शहीदों का खून सूख गया, लेकिन उसे बहाने वाला आज भी आजाद है। शहीदों की माताओं, बीवियों और बच्चों की सिसकियां सुनकर हर आंख नम हो गई, लेकिन उनका गुनहगार आज भी आजादी की सांस ले रहा है। विकास दुबे, वो नाम जो आज सड़क से लेकर सत्ता तक, आम इंसान से लेकर पुलिस तक सबकी आंखों का काटा बन गया है। लेकिन अभी तक उसे पकड़ पाना तो दूर, पुलिस उसकी जर्रा बराबर भी जानकारी नहीं जुटा पाई है। लेकिन उसकी तलाश में परत दर परत वो राज खुल रहे हैं जो सबके होश उड़ा रहे हैं। वो राज जिनमें विकास जैसे खूंखार अपराधी की जड़ें पुलिस महकमे में फैले होने से लेकर राजनीतिक गलियारों में उसकी हनक और पकड़ का सबूत हैं। विकास दुबे को लेकर पुलिस की बेचैनी का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला और थाना बचा हो जहां उसकी तस्वीर और उसके कारनामों की फहरिस्त न पहुंची हो। बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, और इनके द्वारा पूर्व में जो घटनाएं की गई हैं वो भी बहुत ही दुस्साहसिक घटनाएं पूर्व में की गई हैं। जैसे इनके गैंग का जो एक अपराधी परसों पुलिस मुठभेड़ में अतुल दुबे मारा गया, इसने और विकास दुबे ने थाने में घुस करके
उस समय के तत्कालीन मंत्री उनकी थाने के अंदर घुसकर के हत्या कर दी थी। कानपुर पुलिस ने विकास दुबे का पता लगाने के लिए 30,000 गज में फैले उसके आलीशान मकान को जरूर मटियामेट कर डाला। विकास दुबे के घर में पुलिस की रेड पड़ी तो उसी दौरान छतों से फायरिंग होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जो उसका घर है उस घर को मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इसी घर को बंकर बनाया गया था जहां पर भारी मात्रा में असला और गोला बारूद बम बरामद किए गए हैं। और सबसे अहम जानकारी ये है कि जो बम उसके पास से मिले हैं लगभग आधा दर्जन के आसपास बम हैं और इन्हीं बंकर नुमा जो ये घर बनाया गया है इन्हीं की दीवारों के बीच में वो उन सभी असलों और गोला बारूद को छिपा कर रखता था ताकि कभी भी अगर उस पर इस तरह का कोई हमला हो तो वो उनका इस्तेमाल हो सके। यूपी पुलिस ने अपने हर मुखबिर को काम पर लगा दिया है और विकास दुबे को कानून के शिकंजे में लाने के लिए एसटीएफ ने पूरे 150 से ज्यादा ठिकानों को अपने निशाने पर ले लिया है जहां भी विकास के होने का जरा भी शक है। पूरे 48 घंटे की मेहनत के बाद पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं जो उसे रास्ता दिखा सकते हैं। सुराग नंबर एक, लावारिस कार। सुरागों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है ये कार जो पुलिस को औरैया के पास दिव्यापुर में लावारिस हालत में खड़ी मिली। दिव्यापुर में सदर कोतवाली के एलजी गार्डन गेस्ट हाउस के पास लखनऊ नंबर वाली फोर्ड की इको स्पोर्ट कार किसी अमित दुबे के नाम से रजिस्टर्ड है, मगर शक है कि विकास दुबे 3 जुलाई को इसी कार से फरार हुआ। लेकिन जिस जगह ये कार मिली उसने पुलिस को और भी ज्यादा गहरे अंधेरे में ले जाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे कहीं औरैया के रास्ते बीहड़ तो नहीं चला गया, क्योंकि औरैया में विकास दुबे के आते रहने का पता पुलिस को पहले ही लग चुका है। मुमकिन है बीहड़ में उसने अपने लिए कोई पनाह तलाश ली हो। सुराग नंबर दो, विकास का नौकर दया शंकर अग्निहोत्री। ये नाम पुलिस को बहुत राहत दे रहा है। दया शंकर फरार विकास दुबे का बेहद खास वफादार है, लेकिन इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। कितने बदमाश हैं उसके पास? फोन कर करके बुलाया था उसने। हाँ। था उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? थाने से। सुराग नंबर तीन, विकास दुबे के मुखबिर पुलिस वाले। विकास की कॉल डिटेल ने भी 24 पुलिस वालों के नाम उजागर कर दिए और इस सिलसिले में पुलिस ने एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड भी कर दिया। उसी कड़ी में पुलिस ने चौबेपुर थाने के एक कांस्टेबल को भी इस वक्त सवालों के घेरे में लिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस रात इलाके की बिजली काटने के बारे में बिजली विभाग को जो फोन किया गया था वो उसी कांस्टेबल ने किया था जिसने फोन नंबर 8887569297 से फोन किया था। नंबर ये है 8887569297। अच्छा, ये नंबर है। और इस पर जो जानकारी दी गई थी उसके बाद, क्योंकि रात को लगभग कितने बजे तक ये बिजली सप्लाई बाधित की गई थी ये मुझे जानकारी नहीं है, ये मुझे पता नहीं इसके बारे में। मैंने सिर्फ वहाँ से जो आदेश हुआ कि भिकरू गांव में हादसा हो गया, तार टूट गया है, आप वहाँ जाकर के सूचना, मतलब वहाँ सूचना कर दो। सुराग नंबर चार, जायदाद के दस्तावेज। यहाँ पुलिस की टीम उस मकान को जमींदोज करने में लगी है जहाँ से विकास दुबे अपनी जुर्म की हुकूमत चलाया करता था। खबर मिली थी कि इस मकान में खुफिया तहखाना है। इस पूरी कवायद के बाद पुलिस के हाथ मकान के भीतर से कुछ हथियार तो लगे ही, साथ ही कुछ जमीनों के दस्तावेज भी हासिल हुए और यहीं से पुलिस को उन 150 ठिकानों का भी पता मिला है जहाँ इस वक्त एसटीएफ छापामारी कर रही है। मुमकिन है कि पुलिस की ये कवायद उसे कामयाबी का सिला दे दे।